जी हाँ दोस्तों, जो पहलवान सुशील कुमार से रिलेटेड वीडियो सामने आई थी उसमें आपने देखा होगा कि उसके हाथ में एक लाठी टाइप में कुछ चीज दिखाई दी थी जिससे वो सागर और उसके साथियों की पिटाई करता नजर आया था। लेकिन अगर सोनू महल के बयान की तरफ नजर डालें तो आप ये पाएंगे कि सुशील कुमार ने उस रात को फायरिंग भी की थी। दरअसल दोस्तों, सोनू महल जब ठीक ठाक होकर थोड़ा बहुत उनकी हालत नाजुक थी तब उन्होंने बयान अपना दर्ज करवाया और साथ ही साथ मीडिया वालों के सामने भी आया तो उन्होंने बात कही कि सुशील कुमार लगातार हम पर फायरिंग कर रहा था, वो गोली हमारे आसपास से ही इर्द गिर्द से जा रही थी, वो हमें मारना चाहता था, वो बार बार यही बात कह रहा था कि मारू गोली, क्योंकि सुशील बाकी सभी उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दे। लेकिन सुशील बार बार यही कह रहा था, हम नहीं भी कह रहे बल्कि दोस्तों सोनू महल ने ये बातें कही थी, वो कह रहा था कि बनाओ तुम्हें बदमाश, सारी तुम्हारी बदमाश गिरी निकालूंगा। लेकिन सागर के दोस्त सोनू ने ये कहा कि सुशील स्टेडियम में फायरिंग कर रहा था, हमें जान से मारने की धमकी दे रहा था, मैं बार बार यही कह रहा था कि मारू गोली, मैं बार बार पिस्तौल को अपने ऊपर से हटा रहा था कि कहीं एक भी गोली लग गई तो मेरा काम तमाम है। सोनू महल इस बात को बखूबी जानता था तो वो उस गोलियों से ही बचना चाहता था। लेकिन उस रात सुशील कुमार के सर पर ना जाने कौन सा भूत सवार था बदला लेने का, जिसकी वजह से उसने ये बड़ा कदम उठाया और अपनी कमाई हुई इज्जत बरसों की उसने मिट्टी में मिला दी एक ही झटके में, कुछ ही घंटों के अंदर। सोनू महल के इस बयान से दोस्तों पुलिस को जांच में काफ़ी सहयोग मिला था क्योंकि उस रात गोली की भी कुछ बंदूकें गिरफ्तार की गई थी, कार से ही डबल बैरक पर पिस्तौल गिरफ्तार की गई थी दोस्तों, उसी वहीं से बरामद हुई थी और जो बंदूक के खोखे होते खाली खोखे उनको पहले ही सबूत के रूप में मिटा दिया गया था, ऐसी खबरें सामने आई थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।